नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN News। IPL के 13वें सीजन में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर छक्कों की बारिश देखने को मिली। आपको बता दें, IPL के इतिहास में ऐसा पहली बार किसी टीम ने इतने बड़े स्कोर का सफलता से पीछा किया है। वहीं इस मैच में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर छक्कों की बारिश देखने को मिली। किंग्स 11 पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 223 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 19 ओवर पर 3 गेंद में 6 विकेट गंवाकर 226 रन बनाकर 4 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। IPL के इतिहास में पहली बार किसी टीम ने इतने बड़े स्कोर का सफलता से पीछा किया है। इस मैच में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। किंग्स 11 पंजाब की ओर से मयंक अग्रवाल और KL राहुल की सेंचुरी और हाफ सेंचुरी पर स्टीव स्मिथ, संजू सैमसन और राहुल तेवतिया की हाफ सेंचुरी भारी पड़ गई और राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब के जबरे से जीत छीन ली। किंग्स 11 पंजाब की पारी में कुल 11 छक्के पड़े, जबकि राजस्थान रॉयल्स की ओर से 18 छक्के पड़े। तेवतिया ने शेल्डन कोटरेल के एक ओवर में 5 छक्के लगाकर मैच रोमांचक बना दिया था, जिसे जोफ्रा ऑर्चर ने 2 छक्के से राजस्थान रॉयल्स के पारे में ला दिया था। तेवतिया ने पहली 19 गेंदों पर 8 रन बनाए थे, जबकि बाद में 12 गेंद पर 45 रन ठोक डाले। तेवतिया 31 गेंद पर 7 छक्कों की मदद से 53 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं संजू सैमसन ने 42 गेंदों पर 85 रनों की पारी खेली। स्मिथ ने 27 गेंदों पर 50 रनों का योगदान दिया और जोफ्रा आर्चर 3 गेंद पर 13 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। विनिंग चौका टॉम कुडनर के बल्ले से निकला। मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए लेकिन 53 रन भी लुटाए। वहीं कोटरेल ने 1 विकेट लिया और 52 रन लुटाए। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN News। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।